आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस नाम से ये विश्वविद्यालय है, आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती को हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं और इस विश्वविद्यालय का नाम भी नाम से ही नौजवानों में नई ऊर्जा, नया संकल्प, नया आत्मविश्वास जागता है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। मैं सभी नौजवानों को, विद्यार्थियों को मैं आज छठे दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस विश्वविद्यालय के मुख्य संरक्षक डॉक्टर के राम जी, जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय पुलिस सेवा में अपनी सेवाएं दी, अभी अनुशासन देशभक्ति के माध्यम से नौजवानों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर ललित के पवार, जिन्होंने हमेशा शिक्षा शिक्षा के नए आयाम दिए, जिन्होंने पधारो मेरे देश की संस्कृति का आगाज राजस्थान में किया, श्री डॉक्टर के आर बगड़िया जी, डॉक्टर विजयवीर सिंह जी, डॉक्टर प्रवीण चौधरी जी, सीए अनिल बापना जी और सभी अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर, डीन, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज का दिन उन नौजवानों के लिए महत्वपूर्ण दिन है जब उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के बाद आज उन्होंने उपाधि प्राप्त करके एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अपने डीन प्रोफेसर से मार्गदर्शन लिया, उच्च शिक्षा प्राप्त की, तकनीकी शिक्षा प्राप्त की, कृषि की शिक्षा प्राप्त की, मैनेजमेंट की, विज्ञान की, अलग अलग 100 से ज्यादा विषयों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और आज उनको उपाधि मिली है। उनके लिए तो एक बड़ा दिन है सही, लेकिन आज उन शिक्षकों के लिए भी बड़ा दिन है जिन्होंने उनको शिक्षा दी, दीक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, विचार दिए। जीवन में एक दिशा दी और विशेष रूप से जिन्होंने उन्हें पैदा किया, माता पिता के लिए बड़ा उत्सव का दिन है कि उनके बेटे बेटियों ने आज ये उपाधि प्राप्त की है। मुझे खुशी है कि जिस विश्वविद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कम समय के अंदर देश के प्रमुख विश्वविद्यालय में अपनी ख्याति प्राप्त की है, एक अच्छी शिक्षा से, गुणवत्ता शिक्षा से,
अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से, जिसके कारण देश का विद्यार्थी तो अलग अलग प्रदेश का विद्यार्थी तो पढ़ ही रहा है, लेकिन 17 से ज्यादा देश का विद्यार्थी भी यहां अध्ययन कर रहा है। इसके लिए मैं संस्था के सभी ट्रस्टियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये हमारे जिंदगी के एक महत्वपूर्ण क्षण और दौर की ओर हमारे जीवन की शुरुआत है। अभी तक हमें कोई न कोई मार्गदर्शन देने वाला था, दिशा देने वाला था। अब हमें हमारी दिशा तय करनी है, लक्ष्य तय करना है। जो कुछ भी यहां से सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर देश की सेवा भी करनी है और अपने करियर की नई शुरुआत भी करनी है। मुझे आशा है कि जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़े हैं, जो कुछ भी सामर्थ्य, जो कुछ भी शिक्षा आपने प्राप्त की है, उससे आपके नए करियर के अंदर आप और अधिक आकांक्षी से और नए सपने देखकर उन सपनों को पूरा करने के लिए आप उस लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय कहा था कि अगर देश में कोई परिवर्तन लाना है, परिवर्तन की दिशा तय करनी है, तो हमें देश में ऊर्जावान, सामर्थ्यवान, बुद्धिमान नौजवानों की आवश्यकता है, जो देश के अंदर परिवर्तन का दौड़ लाए। आज उस सपने को हम पूरा होते देख रहे हैं। उस समय का विचार, उस समय का सपना आज भारत का नौजवान पूरा कर रहा है। आज भारत के नौजवान की ऊर्जा, उसका सामर्थ्य, उसकी बुद्धि, उसका कौशल, उसका चिंतन, उसका सोच, नया इनोवेशन के कारण आज भारत का नौजवान दुनिया में भी नेतृत्व कर रहा है, भारत में भी नेतृत्व कर रहा है। और दुनिया की जितनी बड़ी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान भारत का नौजवान दे रहा है। अपने नए इनोवेशन से, नए रिसर्च से, अपने सामर्थ्य से। और आज इसीलिए हमें गर्व है कि दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी, वहां की कंपनियों में अगर कोई सीईओ है तो भारत का नौजवान है। वहां जितने भी आईटी से लेकर जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उसके अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों की मांग है। मांग इसलिए कि हमारी बौद्धिक क्षमता और ऊर्जा हमारी ज्यादा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक समय था जब लोग कहते थे कि जनसंख्या अभिशाप होगी, भारत भी इसको लेकर चिंतित था, लेकिन हमने माननीय प्रधानमंत्री के नए विजन से, उनकी नई सोच से, नई विचार से आज दुनिया के अंदर
कोई भी नया इनोवेशन होता है, नया कोई रिसर्च होता है, तो उसमें भारत के नौजवान का सबसे बड़ा हाथ होता है। और इसीलिए बहुत कम समय के अंदर हमने जब नए रिसर्च, नए इनोवेशन, नए स्टार्टअप की शुरुआत की, दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने का सवाल आया तो हमारे इन नौजवानों ने स्टार्टअप के माध्यम से चुनौतियों का समाधान किया। और आज हमें गर्व है कि 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न देश और दुनिया की चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं और आम जनता को, देश की जनता को हर समस्या का समाधान, हर नए रिसर्च, चाहे वो स्किल्ड के अंदर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर के अंदर हो, उन तमाम क्षेत्रों के अंदर जहां पर चुनौतियों का सॉल्यूशन नहीं होता था, उस सॉल्यूशन का निकालने का काम भारत के नौजवानों ने किया है। यही हमारी शक्ति और सामर्थ्य है। और इसीलिए एक समय जब 25 साल का हमारा ये दौर है, जब दुनिया के वैश्विक नेतृत्व करने की हमारी क्षमता बढ़ रही है, G20 का नेतृत्व, G20 की नेतृत्व भारत कर रहा है, उस समय हमारे पास एक अवसर है दुनिया को बताने का कि हमारा सोच, हमारी संस्कृति केवल हमारे देश तक नहीं, हमारी सोच, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम सारे विश्व की प्रसिद्धि चाहते हैं। जितनी शांति होगी, स्थिरता होगी, उतना ही विश्व प्रगति करेगा। इसलिए G20 के अंदर हमारी सामर्थ्य, हमारी शक्ति को दिखाने का एक मौका आया है और लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र और उस लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने आजादी के 75 वर्ष के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके एक दिशा देने का काम किया। आज हमें गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़ा विशाल देश, हमारी विशालता, विविधताएं, हमारी अलग अलग संस्कृति, लेकिन हमारी सामूहिक ताकतें तो लोकतंत्र के कारण है। और इसीलिए लोकतंत्र की जननी भारत है। हम विश्व को यह भी बताना चाहते हैं कि जितनी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का नेतृत्व भी भारत कर रहा है, चाहे जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो, चाहे क्लीन एनर्जी की चुनौती हो, वैश्विक स्तर पर जो जो भी चुनौती आई उन चुनौतियों का समाधान देने का भारत ने काम किया है। कोरोना के वैश्विक संकट के समय एक समय था कि हम विकसित देशों की ओर देखते थे, वहां से कोई वैक्सीनेशन आएगा, कोई रिसर्च आएगा, नया इनोवेशन आएगा। हमारे इन्हीं नौजवानों ने भारत में रिसर्च किया, इनोवेशन किया और दुनिया को बताया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन तो भारत की है। और इतने बड़े देश के अंदर वैक्सीनेशन करना जो चुनौती थी, लेकिन हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति ने यह भी करके बताया। मैं दुनिया के कई देश में गया जिनकी आबादी 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, जब वहां के राष्ट्राध्यक्षों से, लोक स्पीकरों से मेरी चर्चा होती थी तो वो कहते थे हमारे वैक्सीनेशन 60% हुआ, 70% हुआ। जब मैंने कहा कि हमारे यहां 2 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन में हुआ,
तो वह चकित रहेगी कि भारत कितनी बड़ी ताकत है। ये हमारी ताकत है और ये ताकत की सामर्थ्य शक्ति पैदा की आप जैसे नौजवानों ने। आपने मुझे बताया कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नया इनोवेशन किया है। आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से हमने चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया कि आयुर्वेद योग की पद्धति से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है और स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए योग विज्ञान पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है। आज दुनिया के अंदर अधिकतम विकसित देशों के अंदर आप जाएंगे तो वहां योगा टीचर की कमी है। योग के विज्ञान से जोड़कर हमने इस आधुनिक युग में बताया कि स्वस्थ होने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति योग है और इसी तरीके से आने वाले समय में हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाला है नौजवान जो यहां पढ़ रहा है, जो नया रिसर्च कर रहा है, नया इनोवेशन कर रहा है, भारत कृषि प्रधान देश है। आने वाले समय के अंदर कोई समय था जब हम अन्न बाहर से मंगाते थे, अब समय आया है कि हम एक्सपोर्ट अन्न कर रहे हैं और एक समय अब आएगा कि जिस मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं, ये पूनिया जी बैठे हैं नागौर से, कभी बाजरा मजबूरी में खाया जाता था, ज्वार, चना, आज दुनिया के अंदर जितने बड़े लोग हैं जो 5 स्टार होटल में जाते हैं, जब उनको अभी स्पीकर कॉन्फ्रेंस में जब बाजरे की रोटी मिली तो उन्होंने कहा आज तो मजा आ गया, बाजरे की रोटी मिली। हम संसद के अंदर हमने उस मोटे अनाज के 100 आइटम बनाकर भारत के 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को जो बताया कि दुनिया के अंदर आने वाला समय जब होगा जब मोटा अनाज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात भारत करेगा, ऐसे कई विकल्प सोच है, ऐसे कई विचार है, कई इनोवेशन है जो आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर भारत देने का काम करेगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का नौजवान ही हमारी ताकत है। ये नौजवान जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, एक समय आएगा जब हमारे विश्वविद्यालय रिसर्च के सेंटर होंगे, इनोवेशन के सेंटर होंगे और दुनिया का रिसर्च इनोवेशन हमारे विश्वविद्यालय के कैंपसों से होगा। विश्व की चुनौतियों का समाधान हमारे इन कैंपस में होगा, हमारा नौजवान करेगा। इसी सामर्थ्य के साथ, इसी संकल्प के साथ जाना है जो स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। उस विचार को लेकर हमें जाना है कि दुनिया के अंदर हर चुनौतियों का समाधान हमारे पास है, हमारे में आत्मविश्वास है, हमारे में सोचने संकल्प की ताकत है, हम नए विचारों की ताकत रखते हैं, हम में अद्भुत क्षमता है। उठो, जागो और आने वाले समय में दुनिया में राज करो, यही हमारा नारा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।